जो हम खनिज संसाधन पिछली कक्षा में हम खनिज संसाधन के बारे में पढ़ रहे थे, उसके हमने बताया खनिज कितने प्रकार के होते हैं, खनिज हमारे लिए कितना उपयोगी है और हमारे लिए किस तरह से यह रीढ़ की हड्डी है। अब हम यहाँ देखेंगे खनिजों का प्रकार भी हमने देख लिया, खनिज कहाँ कहाँ प्राप्त होते हैं वह भी देख लिया। अब हम देखेंगे खनिजों का संरक्षण किस प्रकार हम कर सकते हैं। मतलब खनिज भी ऐसे हैं, एक सीमित अवस्था में हमें प्राप्त होते हैं, तो मतलब उतना ही हमें उपयोग करना चाहिए जितनी हमारी आवश्यकता है, लेकिन हम क्या करते हैं उसकी आवश्यकता से अधिक उसे इकट्ठा कर लेते हैं और वह फिर बेकार हो जाता है। इसलिए खनिजों का संरक्षण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। हम सभी को उद्योग और कृषि खनिज निक्षेपों और उनसे विनिर्मित पदार्थों पर भारी निर्भरता सुप्रेक्षित है। खनन योग्य निक्षेप में कुल राशि असार्थक अंश है और जिसमें अर्थात भू प्रॉपर्टी का 1% जिन खनिज संसाधनों में निर्माण सांद्रण लाखों वर्ष लगे हैं हम उनका शीघ्रता से उपभोग कर रहे हैं, लेकिन खनिज निर्माण की भूगर्भिक प्रक्रिया इतनी धीमी है कि उनके वर्तमान में उपभोग की दर की तुलना में उनके पुनर्भरण की दर अपरिमित रूप से थोड़ी है। जिस तरह से हम देखा कि खनिज किस तरह से निर्माण होते हैं उनको, क्योंकि हजारों वर्षों लग जाते हैं उस खनिज के निर्माण करने में, लेकिन जब हम उपयोग करते हैं तो वह शीघ्रता से उसका हम उपभोग कर लेते हैं और उसे नष्ट भी हो जाते हैं, लेकिन उसको बनने में बहुत समय लगता है। इसलिए खनिज संसाधन सीमित व अनवीनीकरणीय योग्य है, क्योंकि यह सीमित है और इसको निर्माण होने में बहुत समय लगता है। हम इसको दोबारा उसको बना नहीं सकते, उसको प्राकृतिक रूप से ही बनने में उसको समय लगेगा। फिर अयस्कों के सतत उत्खनन की लागत बढ़ती है, क्योंकि खनिजों के उत्खनन से गहराई बढ़ने के साथ साथ गुणवत्ता भी घटती जाती है। फिर हम देखेंगे खनिज संसाधन सुनियोजित एवं सतत पोषणीय ढंग से प्रयोग करने के लिए तालमेलयुक्त प्रयास करना होगा, जिससे कि निम्न कोटि के अयस्कों कम लागतों पर प्रयोग करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी सतत विकास करते रहना होगा और पुनः चक्रण रद्दी धातुओं का प्रयोग प्रतिस्थापनों का उपयोग भविष्य में हमारे खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय। कई खनिज ऐसे होते हैं जिनको हम दोबारा गलाकर उपयोग कर सकते हैं, तो वैसे खनिजों को हम उस तरह से उपयोग करना चाहिए। फिर ऊर्जा के संसाधन, ऊर्जा के संसाधन जो है खाना पकाने में, रोशनी ताप के लिए, गाड़ियों के संचालन में, उद्योगों के मशीनों के संचालन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का उत्पादन ईंधन खनिजों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, विद्युत से किया जाता है। ये सब क्या है, हमारे ऊर्जा के संसाधन हैं जिनको कि हम जीवन में उपयोग करते हैं। फिर ऊर्जा संसाधनों परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधन वर्गीकृत किया गया। परंपरागत संसाधनों के तहत लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा विद्युत इसको सम्मिलित किया गया है, और गैर परंपरागत संसाधनों में सौर, पवन, ज्वारीय, भूतापी, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा इनको शामिल किए गए। आप लोग ध्यान रखिएगा, परंपरागत साधनों के अंतर्गत लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आते हैं और गैर परंपरागत साधनों में सौर, पवन, ज्वारीय और भूतापीय बायोगैस, परमाणु ऊर्जा ये आते हैं। फिर हम एक अनुमान के अनुसार ग्रामीण घरों में आवश्यक ऊर्जा का 70% से अधिक दो साधनों से प्राप्त होता है, जैसे कि घटते वन क्षेत्रों के कारण इनका उपयोग करते रहना कठिन होता जा रहा है। इसके अतिरिक्त उपलों का उपयोग भी हतोत्साहित किया जा रहा है, क्योंकि इससे सर्वाधिक मूल्यवान खाद का उपभोग होता है जिसे कृषि में प्रयोग किया जा सकता है। फिर हम देखेंगे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। कोयला, भारत में कोयला बहुतायत पाया जाता है, इसका जीवाश्म ईंधन है, यह देश की ऊर्जा आवश्यकताओं का महत्वपूर्ण भाग प्रदान करता है। इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन तथा उद्योगों और घरेलू जरूरतों के लिए ऊर्जा की आपूर्ति के लिए किया जाता है। भारत अपनी वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति होती मुख्यतः कोयले पर निर्भर है। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि कोयले का निर्माण पादप पदार्थों के लाखों वर्षों तक संपीड़न से हुआ है, इसलिए संपीड़न की मात्रा, गहराई और दबने के समय के आधार पर कोयला अनेक रूपों में पाया जाता है। फिर दलदलों में क्षय होने से पादपों के पीट उत्पन्न होते हैं, जिससे कार्बन, नमी और उच्च मात्रा में निम्न ताप क्षमता होती है और लाइट निम्न कोटि का भूरा कोयला जो होता है वह मुलायम और अधिक नमीयुक्त होता है। इसलिए लिग्नाइट का प्रमुख भंडार जो है तमिलनाडु के नवेली में मिलते हैं और ये विद्युत उत्पादन प्रयोग में किए जाते हैं। गहराई में दबे होने के कारण इनका तापमान प्रभावित के लिए बिटुमिनस कोयला कहा जाता है और सर्वाधिक लोकप्रिय है। फिर धातु शोधन उच्च श्रेणी में बिटुमिनस कोयले का प्रयोग किया जाता है। ऐसे लोहे के प्रकरण विशेष महत्व है। एंथ्रेसाइट सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है और भारत में कोयला दो प्रमुख भूगर्भिक युगों की सेल से क्रम से पाया जाता है। एक गोंडवाना जिसकी आयु 200 लाख वर्ष से अधिक है, उसकी दूसरा ट्यूटरी निक्षेप लगभग 55 लाख वर्ष पुराने गोंडवाना कोयले और धातु शोधन कोयला के प्रमुख संसाधन दामोदर घाटी, पश्चिम बंगाल, झारखंड, झरिया, गनीगंज, बोकारो यहाँ पर होता है और महत्वपूर्ण कोयला का क्षेत्र जो है गोदावरी, महानदी, सोन, वर्धा नदी घाटियों में भी कोयले के जमाव
पाए जाते हैं। फिर देखेंगे टर्सियरी कोयला उत्तर प्रदेश पूर्वी राज्य मेघालय और इस तरह से, जिसका प्रयोग करने से भार घटता है और राख में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए इसको भारी उद्योग तथा ताप विद्युत गृह कोयला क्षेत्रों में निकट स्थापित किए जाते हैं। फिर देखेंगे पेट्रोलियम, भारत में कोयले की पश्चात ऊर्जा का दूसरा प्रमुख साधन पेट्रोलियम या खनिज तेल है, जहाँ ताप और प्रकाश के लिए ईंधन मशीनों के स्नेहक और अनेक विनिर्माण उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करता है, जिसमें तेल शोधक शालाएं, संश्लेषित वस्त्र, उर्वरक, असंख्य रसायन उद्योगों में नोडल बिंदु का काम करती है। भारत में अधिकांश पेट्रोलियम की उपस्थिति टर्टियरी युग में सेल संरचनाओं की अपनी भ्रंश स्ट्रिप में पाई जाती है। यह जो है वलय, अपनति और गुबंधों वाले प्रदेशों में यह वहाँ पाया जाता है, जिसमें तेल प्रवाहित हो सके। से बालू पत्थर जो होते हैं, चूना पत्थर होते हैं इनके, जिसमें से तेल प्रवाहित होता है, और इनमें जो है मध्यवर्ती असरंध पड़ते हैं जो तेल को ऊपर उठने और नीचे रिसने से रोकती हैं। फिर पेट्रोलियम जो सरंध असरंध चट्टानों के बीच भ्रंश स्ट्रिप में पाया जाता है और प्राकृतिक गैस हल्की होने के कारण खनिज तेल के ऊपर पाई जाती है। यह कहाँ पाई जाती है? भारत में मुंबई हाई में, गुजरात में, असम में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं जहाँ पर ये पाए जाते हैं। हम मानचित्र में देखेंगे तो ये सारी चीज़ें हम उनको चिन्हित कर सकते हैं। फिर पुराना तेल उत्पादक राज्य है डिगबोई, नहरकटिया और मोरन हुगरी, इस राज्य महत्वपूर्ण तेल के उत्पादक क्षेत्र हैं। फिर हम देखेंगे पेट्रोलियम, भारत में कोयले के पश्चात दूसरा प्रमुख साधन हमारा क्या है? पेट्रोलियम खनिज तेल है, जिसका कि हम ईंधन मशीनों के स्नेहक और विनिर्माण उद्योग कच्चा माल प्रदान करता है, और तेल शोधक शालाएँ जो हैं वस्त्र, उर्वरक, असंख्य रासायनिक नोडल बिंदु पाई जाती है। फिर अधिकांश पेट्रोलियम की उपस्थिति सेल शोधक के अंदर पाई जाती है, जो कि हमें परत चूना पत्थर नीचे उठने से इसको रोकती है। फिर हम देखेंगे प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधन है जो पेट्रोलियम के साथ अलग भी पाई जाती है, जिसे ऊर्जा के एक साधन के रूप में हम पेट्रोल रसायन या औद्योगिक कच्चे माल के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के कम उत्सर्जन के कारण प्राकृतिक गैस के पर्यावरण अनुकूल माना जाता है, इसलिए यह वर्तमान शताब्दी का एक ईंधन है, जिसमें कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार यहाँ पर खोजे जाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ये प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार पाए जाते हैं। 17,000 किलोमीटर लंबी हजीरा विजन जमशेदपुर गैस पाइपलाइन मुंबई हाई बसिन के पश्चिमी और उत्तरी भारत के उर्वरक, विद्युत, अन्य औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ती है। आप लोग को याद रखना है कि 17,000 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन है, जो सबसे लंबी है। इस धमनी में भारत गैस उत्पादन का संवेग मिलता है और गाड़ियों में तरल ईंधन के संपीन प्राकृतिक गैस के प्रतिस्थापन देश में लोकप्रिय हो रहा है, जैसे कि हम सीएनजी गैस बोलते हैं, जिसको हम खाना बनाने के लिए उपयोग करते हैं और परिवहन के लिए उसका उपयोग कर रहे हैं। फिर है विद्युत, आधुनिक विश्व में विद्युत का अनुप्रयोग भी सबसे ज्यादा विस्तृत है, क्योंकि व्यक्ति उपभोग के विकास में सूचना माना जाता है। प्रवाही जल में हाइड्रो टर्बाइन चलाकर जल विद्युत उत्पन्न किया जाता है। अन्य ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जलाने से टर्बाइन जलाकर ताप विद्युत उत्पन्न किया जाता है, और एक बार उत्पन्न हो जाने के बाद विद्युत एक जैसी ही हो जाती है। तेज बहते हुए जल से भी जल विद्युत उत्पन्न की जाती है, जिसे नवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। फिर बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत जैसे भाखड़ा नंगल, दामोदर घाटी कारपोरेशन, कोकली हाइटल परियोजना आदि भी हैं। फिर है ताप विद्युत कोयला, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस से उत्पन्न की जाती है, और ताप विद्युत गृह नवीनीकरण योग्य जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कर विद्युत उत्पन्न करते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन कौन कौन से हैं। हमने आपको बताया था परंपरागत ऊर्जा कौन से हैं, उसमें हम देखेंगे गैर परंपरागत कोयला, तेल, गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों पर अत्यधिक निर्भर होता है। भविष्य में ऊर्जा की आपूर्ति सुरक्षा की अनिश्चितता उत्पन्न करते हैं और अर्थव्यवस्था की वृद्धि में गंभीर प्रभाव डालते हैं। इसके अतिरिक्त जो है जीवाश्मी ईंधनों का प्रयोग गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं से उत्पन्न करता है और नवीनीकरण योग्य संसाधनों का हम उपयोग करते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, जैविक ऊर्जा तथा अवशिष्ट पदार्थ जनित ऊर्जा के उपयोग में बहुत जरूरत है। ये ऊर्जा गैर परंपरागत साधन कहलाते हैं, जैसे धूप, जल, जीवभा साधनों में समृद्ध है, और ये संसाधनों के विकास हेतु बृहद कार्यक्रम भी बनाए जाते हैं। फिर हम देखेंगे परमाणु तथा आणविक ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और आणविक ऊर्जा क्या है? अब हम देखते हैं कि ऊष्मा के रूप में काफी ऊर्जा विभक्त होती है, जिसमें यूरेनियम, थोरियम और झारखंड और राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला में ये पाए जाते हैं। परमाणु और आणविक ऊर्जा का उत्पादन किया जाए केरल में मिलने वाले मोनाजाइट रेत में थोरियम की मात्रा पाई जाती है। फिर हम देखेंगे कि सौर ऊर्जा, यह एक उष्णकटिबंधीय देश है, यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन में असीम संभावनाएं हैं, जो कि फोटोवोल्टिक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है, और भारत में ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में
सौर ऊर्जा का तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। सौर ऊर्जा के प्रयोग में ग्रामीण घरों में उपले और लकड़ी पर निर्भरता की न्यूनतम किया जा सके, स्वरूप यह पर्यावरण संरक्षण में योगदान देगा, जिससे कि खाद्यान्न की आपूर्ति होगी। इसमें क्या होगा, लोग जंगल नहीं काटेंगे, घरों में उपलों से धुआं नहीं होगा। इस तरह से हम सौर ऊर्जा का उपयोग हम कर सकते हैं। फिर देखेंगे पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा भारत में ऊर्जा उत्पादन महान संभावना है। भारत में पवन ऊर्जा प्लेटफॉर्म विशालतम पेटी तमिलनाडु नारकोली मदुरई तक अव्यवस्थित है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश कर्नाटक गुजरात केरल महाराष्ट्र यहाँ पर पवन ऊर्जा फार्म है, जिसको नारकोली जैसलमेर जिसमें भी पवन ऊर्जा प्रभावी रूप में उपयोग किए जाते हैं। फिर हम देखेंगे बायोगैस। बायोगैस जो है झाड़ियों कृषि अपशिष्ट पशुओं और मानव जनित अपशिष्ट के उपयोग से घरेलू उपयोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है। जैविक पदार्थों के अपघटन से गैस उत्पन्न होता है और तापीय क्षमता मिट्टी के तेल उपलों और चारकोल की अपेक्षा अधिक होती है, जिससे कि बायोगैस संयंत्र नगर पालिका सहकारिता निजी स्तर पर भी लगाए जाते हैं। पशुओं का गोबर प्रयोग करने वाले संयंत्र ग्रामीण भाग में गोबर गैस प्लांट के नाम से जाने जाते हैं और ये दो प्रकार से लाभान्वित होते हैं। जैसे किसान दो प्रकार, एक ऊर्जा के रूप में, दूसरा उन्नत प्रकार के उर्वरक के रूप में। बायोगैस से पशुओं गोबर का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सबसे अच्छा है, फिर उर्वरक गुणवत्ता को बढ़ाता है, उपलों और लकड़ी को जलाने होने की वृक्षों के नुकसान को भी रोकता है। फिर देखेंगे ज्वारी ऊर्जा। ज्वारी ऊर्जा क्या है, इसमें महासागर तरंगों के प्रयोग से उत्पादन किया जाता है। जैसे सक्री घाटी खाड़ी जो होती है, आर पार बाढ़ और द्वार बांध बनाए जाते हैं, जिसमें ज्वार सक्री खाड़ी में प्रवेश द्वार में भीतर पानी भर जाता है, जिससे द्वार बंद होने से बांध नहीं रह जाता है और बाढ़ द्वार बाहर ज्वार उतरने पर बांध के पानी को इस रास्ते से पाइप द्वारा समुद्र सतह पर बहाया जाता है, इससे टर्बाइन की ओर ले जाते हैं। फिर हम भारत में खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तथा पश्चिमी गुजरात में भी इस तरह की गंगा के डेल्टा ज्वारी तरंगों और जल उत्पन्न आदर्श दशाएं उपस्थित करती हैं। फिर भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के आंतरिक भाव में ताप का प्रयोग करके हम भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भूतापीय ऊर्जा इसलिए अस्तित्व में होता है क्योंकि बढ़ती हुई गहराई के साथ पृथ्वी प्रगामी ढंग से तृप्त होती है और भूतापीय प्रवणता अधिक होती है। उतनी गहराई में अधिक तापमान पाया जाता है और भूमिगत जल चट्टानों ऊष्मा का अवशोषण कर तप्त हो जाता है। इतना तप्त हो जाता है कि पृथ्वी की सतह में कठोर जो ओर उठता हुआ भाप में परिवर्तित हो जाता है और इसी भाप को टर्बाइन में चलाने से विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है। इससे भारत में सैकड़ों गर्म पानी के चश्मे और उत्पादन का प्रयोग किया जाता है और भूतापीय ऊर्जा दोहन की दो प्रकार की परियोजनाएं शुरू की गई है। फिर देखेंगे ऊर्जा के संसाधनों का संरक्षण। हम संरक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है जिसको प्रत्येक सेक्टर में कृषि में परिवहन में वाणिज्य में घरेलू आवश्यकताओं में हम इसका उपयोग करते हैं। इसलिए इसकी ऊर्जा को बड़ी मात्रा में आवश्यकता थी और इसलिए पूरे देश में सभी प्रकारों के उपभोग धीरे धीरे बढ़ रहा है। मतलब सभी जो ऊर्जा है हमारे पास उसके गैर परंपरागत या सौर ऊर्जा या वो सारी ऊर्जाओं की हमारी उपयोगिता बढ़ती ही जा रही है। इस तरह से नवीनीकरण ऊर्जाओं के भी का संसाधनों का बढ़ता प्रयोग सतत पोषणीय ऊर्जा दो आधार है। वर्तमान भारत में इसमें अल्पतम ऊर्जा दर देखने में गिना जाता है और हमें ऊर्जा की सीमित संसाधन न्याय संगत उपभोग करना चाहिए, सावधानी पूर्वक करना चाहिए, उपाय अपनाना चाहिए। मतलब यदि हमको उसकी आवश्यकता नहीं तो उसका हम उपयोग नहीं करना है। जैसे कि जागरूक नागरिक के रूप में आता है कि निजी वाहन की अपेक्षा हमें सार्वजनिक वाहन का उपयोग करके जब प्रयोग ना हो तो बिजली बंद करके विद्युत बचत करके गैर पारंपरिक ऊर्जा साधनों का प्रयोग हम अपना छोटा योगदान दे सकते हैं। आखिरकार ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। मतलब हम जो ऊर्जा हम कर रहे प्राप्त कर रहे हैं उसको कम से कम उपयोग करें और अधिक से अधिक उसका लाभ ले सकें। यदि हम उस ऊर्जा को हम नष्ट करेंगे तो हमारे लिए उसके लिए नुकसानदायक, क्योंकि आने वाले समय में ये ऊर्जा जो है ऊर्जा के जो संसाधन है उनके संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। मतलब जितनी आवश्यकता हो हम उतना ही उसका उपयोग करें।